हम लोग कुछ पेंटिंग देखेंगे साधना जी ने जो बनाया है। हाँ जस्ट ये एक टेक्सचर पेंटिंग कहते हैं ऑयल में, ये चर्च है। तो इतनी सारी पेंटिंग्स आपको लगता हुआ काफ़ी काम किया है आपने इसके ऊपर? हाँ, पेंटिंग्स के अलावा। और आपने कहा कि आप काम भी कर रही हैं, तो आपने शुरुआती एडुकेशन कहाँ से लिया, पढ़ाई कहाँ से की? नेशनल पब्लिक स्कूल से। अच्छा, टेंथ? हाँ। और उसके बाद फिर? ट्वेल्थ सेंट कोलम्बस कॉलेज से। और फिर ग्रेजुएशन? हाँ, ग्रेजुएशन अभी मेरा स्टिल कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद जॉब ज्वाइन करने के बाद मैं इग्नू से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा, तो मतलब पढ़ भी रही हैं आप और साथ हाँ, में जॉब भी, पेंटिंग भी। ऑयल पेंटिंग है ये, मैंने और भी बहुत सारा पेंटिंग ऑयल में करा है पहले भी, ये अभी रिसेंट मेरा पेंटिंग है अभी ये। मेरे साथ बैठी हैं साधना जी, हज़ारीबाग की फीमेल आर्टिस्ट जो काफ़ी कम है, और हमने आज साधना जी को ढूंढा है और साधना जी से बात करेंगे उन्होंने ये पेंटिंग कहाँ से सीखी और किस तरह की वो पेंटिंग करते हैं और कब से वो पेंटिंग करते हैं, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि साधना जी पेंटिंग के अलावा और क्या काम करती हैं। तो साधना जी आप बताइए, ये जो ऑयल पेंटिंग है ये आपने कहाँ से सीखा? ऑयल पेंटिंग आरती मैम है, उनसे मैंने सीखा है ऑयल पेंटिंग। कब से ये पेंटिंग कर रही हैं आप? 2014 के बाद मैंने ज्वाइन किया था मैम के पास और फिर वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा ये। और ऐसे तो पेंटिंग का शौक शुरू से है, बचपन से है, बट बहुत ज़्यादा ये था तो चूँकि मैं ऑफिस वर्किंग भी लेडी हूँ, ऑफिस में काम करने के ये से हमको टाइम नहीं मिलता था, इसके लिए फिर किसी तरीके से टाइम निकाल के और फिर मैंने अपना ये स्टार्ट किया फिर से। तो क्या क्या काम करती हैं अभी आप? मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में एज ए अकाउंट क्लर्क हूँ। अच्छा, और साथ साथ आपको टाइम मिल पाता है? हाँ, मैं इसके लिए टाइम निकाल लेती हूँ बिकॉज ये मेरा बहुत पैशन ये है। मैं आगे जाके फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी बट इधर आ जाने के कारण फिर, लेकिन फिर भी मैंने अपना पेंटिंग कंटिन्यू रखा क्योंकि शौक है इसको ये करने में। ये पेंटिंग क्या है, थीम क्या है? ये ऑयल पेंटिंग है और ये एक लेडी है वो पानी से नहा के अभी निकली हुई है, उसका ये पोर्ट्रेट है अभी। वहाँ पे एक टेम्पल है, टेम्पल के जस्ट बाहर पे एक नदी था, ये पूरा ये नहीं हो पाया है, नदी से ये अभी निकली है नहा के और फिर वही बेसिकली ये उस टेम्पल में जाने के लिए ये नहा के निकली हैं ये। तो क्या एक आर्टिस्ट को एक पेंट बनाने के लिए क्या क्या दिमाग में रखना पड़ता है पहले जब आप बनाने जाती हैं, ब्रश पकड़ती हैं या फिर पेंटिंग क्या दिमाग में आता है? चूँकि हम लोग ये मेरा ओरिजिनल पेंटिंग ये नहीं है, मैं कॉपीराइट है, ये ओरिजिनल नहीं है, जस्ट मैंने ये सर्च किया है कि घाट से पानी के ये से निकलती हैं लेडी, ये टेम्पल पर जा रही है। और लेकिन एक आर्टिस्ट के दिमाग में जनरली ये रहता है, किसी चीज़ को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाता है, फिर आपको वो अपने कैनवस में आप उतारते हैं, यही होता है। ऑयल पेंटिंग में क्या क्या आप इस्तेमाल करती हैं? ऑयल कलर होता है और ऑयल यूज़ करते हैं उसमें, ऑयल कलर के साथ ऑयल मिक्स करके फिर हम लोग उससे ये पेंट करते हैं। तो अभी तक आपने कितनी पेंटिंग्स बनाई है? अभी तक 20-25 से ज़्यादा पेंटिंग मैंने करा है। अच्छा, मेरा एग्जीबिशन में भी पेंटिंग लगा था, विनोवा भावे में एग्जीबिशन हुआ था, वहाँ पर भी मैंने एग्जीबिट किया था अपना पेंटिंग। तो ये जो थीम्स है आपकी पेंटिंग्स यहाँ पर पड़ी हुई है, तो ये सारा कॉपीराइट है कि आपने अपने इमेजिनेशन से भी बनाया है कुछ पेंटिंग? ये मेरा इमेजिनेशन है, ये राधा कृष्ण भगवान का जो ये है मैंने ये बनाया, ये जस्ट एक इमेजिनेशन है ये। तो इसमें क्या क्या है? ये भी ऑयल पेंटिंग है? हाँ, ये भी ऑयल पेंटिंग है। कृष्ण भगवान है, ये बांसुरी पकड़े हुए है और स्काई में ये है, वहाँ पे फ्लूट बजा रहे हैं, ये ओरिजिनल है ये। तो ये सब पेंटिंग को आप क्या करना चाहती हैं आगे, क्या आपका मोटिव क्या है? एग्जिबिट करना चाहते हैं पेंटिंग को, मतलब जाने, क्योंकि ऑयल बहुत कम लोग अब करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये टाइम टेकन है और अभी तक तो ऑयल में इतने लोग मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम चाहते हैं कि मतलब ये और भी लोग बनाएं इसको और भी इंटरेस्टेड हो इस पेंटिंग को लेके। तो कितना टाइम लगता है एक पेंटिंग को बनाने? एक पेंटिंग को बनाने में ऑलमोस्ट 2 या 3 मंथ लग जाता है कंप्लीट करने। हाँ, तो इतना टाइम क्यों लगता है?
क्योंकि ये सूखने में जो है इसको एक कोट डाले, अगर बहुत ये रहा जैसे ये मैंने अभी मतलब इसमें अभी भी और भी काम बाकी है, तो इसमें अभी थर्ड जो फाइनल टचअप है वो बाकी है, क्योंकि एक कोट आप मारते हैं उसके बाद सूखने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है, फिर सेकेंड कोट आप करते हैं उसको भी सूखने के लिए टाइम होता है, तो इसलिए ये टाइम टेकन है पेंटिंग। अच्छा, तो आपके पास एक अनफिनिश्ड पेंटिंग भी है कोई जो आधा बना हुआ है? हाँ, ये राधा कृष्ण का पेंटिंग है, ये अनकम्प्लीट है, इसमें अभी फर्स्ट कोट डाला गया है। कितना टाइम लग चुका है आपको बनाने? अभी तक तो अभी मुझे मतलब 1.5 मंथ इसमें अभी ये हो चुका है। अच्छा। और अभी ये फर्स्ट कोट हुआ है, अब सेकेंड कोट और थर्ड कोट में फाइनल ये होगा। अच्छा, अभी टाइम लगता है तो यही रीज़न है कि लोग वाइट पेंटिंग नहीं करना चाहते, उब जाते हैं जल्दी की जल्दी, फिनिश नहीं आता। मतलब इंटरेस्ट या फिर पहला जो इंस्पिरेशन था वो कहाँ से मिला कि हमको पेंटिंग सीखना है या फिर ऐसा? सो बचपन से तो मतलब देख के ऐसे नेचर से बहुत है, तो नेचर्स को देख के लगा था कि हाँ पेंटिंग में इंटरेस्टेड है नेचर्स को लेके, लेकिन फिर ऑयल पेंटिंग उज्जवल घोष हैं सर हैं उनसे इंस्पायर्ड हुए थे, ऑयल पेंटिंग सर का देखे क्योंकि वो बहुत सुंदर बनाते हैं, तो उनसे सर से इंस्पिरेशन मिला था और फिर उसके बाद ऑयल पेंटिंग स्टार्ट किए थे। तो वहीं आपने सीखना स्टार्ट किया? हाँ, आरती मैम के पास हम सीखे हैं। अच्छा। लेकिन उज्जवल सर की स्टूडेंट रह चुकी हैं मैम। अच्छा। तो उनके पास उज्जवल सर का हम पेंटिंग देखे थे, उनसे इंस्पिरेशन मिला है सर। आपका सबसे फेवरेट पेंट कौन सा है? मतलब ये ऑयल पेंटिंग में सबसे फर्स्ट पहला पेंटिंग। हाँ, उसमें क्या है? एक लड़का और दो कप मतलब एक कपल हैं, दोनों बरसात के मौसम में एक रास्ते में जा रहे हैं छतरी लिए हुए, मतलब आंधी आया हुआ है, बारिश होने को है, छतरी लगा के वो जा रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट पेंटिंग था ऑयल पेंटिंग में। ये पहली बार आपने जो पेंटिंग बनाया वो किसी क्लास में, आर्ट क्लास में, तो कितना ट्रेनिंग लगा आपको या फिर कितना डिफिकल्ट हुआ आपको किसी चीज़ को पकड़ने में? जैसे किसी को सिखाते हैं हम तो किसी को कम टाइम लगता है, किसी को कभी सीख ही नहीं सकता है कोई, और कुछ होते हैं कि तुरंत सीख जाते हैं, तो आपको कितना टाइम? नहीं, चूँकि मैं हमेशा शुरू से इस टाइप में ये शुरू से पेंटिंग हम करते आए थे, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। ये मेरा ऑयल में ये भी हम स्टार्टिंग में ये किए थे, वो सब ये किए उसके बाद ये, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। मेरे को लगता है कि 20 डेज में हम सीख चुके थे ऑयल, क्योंकि शुरू से करते आ रहे थे इस वजह से उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था सीखने में। मैंने देखा कि साधना जी थी हमारे साथ जो पढ़ाई भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, और साथ साथ उनका जो हॉबी है पेंटिंग, वो पेंटिंग को ज़िंदा रखा है इन्होंने, और एक आर्टिस्ट का एक जो कला होता है उसको जगाए रखा है। इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में आप काफ़ी कम लोग होते हैं जो इतना टाइम निकाल के पेंट बनाते हैं, बाकी काम को करते हुए कुछ लोग होते हैं जो फुल टाइम प्रोफेशन होता है पेंटिंग ही करना, तब वो बनाते हैं तो एक और बात होती है, लेकिन साधना जी हमारे साथ थी जो काम करते हुए भी पेंटिंग बनाती हैं, काफ़ी अच्छा काम करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।